हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका टेक स्टूडेंट में स्वागत है। और गाइस, आप सबको पता है कि हुआवे ने हुआवे मेट 30 और मेट 30 प्रो इन दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं हुआवे मेट 30 प्रो के बारे में बात करने वाला हूं, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि हुआवे इस फ़ोन को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। और इसके बैक साइड आपको सर्कुलर मॉडम में कैमरा बम्प देखने को मिल सकता है। क्वाड्रियर कैमरा के साथ ये फ़ोन आने वाला है। और बैक साइड नीचे में आपको हुआवे ब्रांडिंग भी देखने को मिल सकता। और आगे की ओर एक हुआवे मेट 20 जैसा ही एक छोटा सा नॉच देखने को मिल सकता है और बेजल से ना के बराबर है। और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, हुआवे ने बिल्ड क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। बिल्ड क्वालिटी एकदम आपको प्रीमियम डिजाइन के साथ हुआवे मेट 30 प्रो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है 6.53 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोडक्शन के साथ ये फोन आने वाला है। इस फोन में आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और बेजल्स के बारे में बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर इसमें बेजल्स देखने को मिल सकते हैं। और चिन के बारे में बात करें तो छोटी सी हल्की सी नीचे आपको छोटी चिन देखने को मिल सकती है। कुल मिला के स्मार्टफोन में हुआवे ने डिजाइन वाइज कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। इस फोन में आपको सबसे अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। इस फोन में आपको बैक साइड 40 मेगापिक्सल का एपर्चर f1.6 के साथ आने वाला है। और साथ में आपको 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिल सकता है। और तीसरा 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल सकता है। और साथ में आपको चौथा माइक्रो लेंस TOF सेंसर देखने को मिल सकता है। और इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की फ्रंट शूटर भी देखने को मिल सकता है। आपको सेल्फीज के लिए ये वाला सेंसर भी आप यूज कर सकते हो। इस स्मार्टफोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल सकता है, एक अच्छी बात है। और साथ में आपको हुआवे के कस्टमाइजेशंस भी मिलते हैं। ये हुआवे के EMUI 10 पर रन होता है। अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें आपको देखने को मिल सकता है हुआवे का किरिन 990 प्रोसेसर। ये अब तक का हुआवे का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें आपको 5G सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। ये टेक्नोलॉजी है 7nm टेक्नोलॉजी पर ये चिपसेट बनाया गया है। इसमें आपको बैटरी एफिशियंस और पावर एफिशियंस भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोर्टेक्स 2.8 GHz पर दो कोर्टेक्स क्लॉकड है और दो आकर 2.36 GHz पर क्लॉकड है और चार आकर 1.95 GHz पर क्लॉकड है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। आपको इस फोन में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। और साथ में ये 40 वाट्स का सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और 27 वाट्स का वायरलेस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। कुल मिला के ये हुआ कि ये आपका फोन को बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्ट से अच्छे से चार्जिंग कर देगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। इस फोन में आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट भी देखने को मिल सकता है और साथ में आपको वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वेरिएंट्स एंड प्राइस के बारे में बात करें तो ये फोन आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है। एक है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज और दूसरा है 8GB रैम 512GB स्टोरेज। दोस्तों, स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में बात करें तो आपको चाइना में ये करीब 1100 यूरोस में लॉन्च हुआ था और इंडिया में कन्वर्ट करने को देखें तो आपको 86,000 में ये फ़ोन मिलने वाला है। अगर आप 5G वेरिएंट के बारे में बात करते हैं तो ये चाइना में 1200 यूरोस में लॉन्च हुआ था और इंडिया में इसे कन्वर्ट करें तो 95,000 के आसपास ये वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।